पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जन्मस्थली रही, जब वो पीएम रहे तब भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, वो नहीं रहे तब भी कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ का जो नौजवान है यहाँ से 20 किलोमीटर पढ़ने जाता है, यहाँ का जो छोटा बच्चा है हाई स्कूल और जिसको 10+2 करना है वो यहाँ से 12 किलोमीटर बाहर जाता है, तब वो साइकिल से जाता है। उसकी माँ को ये भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा सुबह 7 बजे जा रहा है पढ़ने के लिए, शाम को 7 बजे लौटेगा कि 8 बजे लौटेगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। छोटी काशी के नाम से जाना जाने वाला बटेश्वर तीर्थ धाम में इस समय क्या चल रहा है, सियासी गर्मी सरगर्मी किस तरफ बह रही है, इसके लिए आज श्रेष्ठ यूपी की टीम पहुंची हुई है बटेश्वर में। लोगों से जानेंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो पूरा शिव तीर्थ स्थल है यहाँ के लोग बहुत ही पॉलिटिकल माइंड रखते हैं, खुलकर बोलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं सिद्धा जी, आप बताइए क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि लगातार नुक्कड़ चौराहों पर एक ही चर्चा चल रही है, किसे वोट देना है, किन मुद्दों पर वोट देना है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? यहाँ का माहौल तो ये है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्मस्थली रही, जब वो पीएम रहे तब भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, वो नहीं रहे तब भी कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ कोई रोडवेज स्टैंड नहीं, कोई बस स्टैंड नहीं, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। नहीं, अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे तो क्या कुछ मिला नहीं आपको? नहीं, मिलेगा। एक बार अप्रैल 99 वो आए थे जब रेलवे का उद्घाटन किया था, तब उस समय सांसद प्रभुदत्त कठेरिया हुआ करते थे, उन्होंने कहा था साहब यहाँ के लिए कुछ दे दो, तो अटल जी के वर्ड ये थे कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ और बटेश्वर कोई स्पेशल नहीं है, क्या जिस गांव का प्रधानमंत्री नहीं हो गया उसका विकास नहीं होगा, ये कह के वो जुमला देखो। आपको लगता है कि आप ठगा महसूस कर रहे हैं, भले ही यहाँ से देश ने बहुत बड़ा नेता यहाँ से दिया, और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कहाँ से आए सर? आप दिल्ली से आए, आप दर्शन करने आए, क्या देख रहे हैं ये आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा है, डेवलपमेंट नजर आ रहा है आपको? यार डेवलपमेंट तो शुरू हुआ है, बट अभी जो बेस पे वहाँ उतना कम है। अच्छा, फोकस अभी आया है जब से योगी जी गवर्नमेंट में आए हैं। अच्छा, तब उन्होंने इसको, आपको लग रहा है कि रिलीजियस टूरिज्म जो बड़े रिलीजियस स्पॉट्स हैं वहाँ फोकस बढ़ा है? फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा है, फोकस बढ़ा है। आप दिल्ली से आए लेकिन स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या देख रहे हैं आप, कुछ जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बदलाव हो रहा है? हर 5 साल बाद गेंद जनता के पाले में आती है, तो अब आपका समय जी, जनता का समय, आप सही कह रहे हैं। पिछले 10 सालों में विकास तो हुआ है, पर लेकिन जितनी धीमी गति से चल रहा है वो काफी, 10 साल बहुत समय होता है। और मैं चाहूंगा, नहीं, जब अटल जी का इस दुनिया से विदा हुए, सप्लीमेंट्री बजट, इसको बड़ा तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए तमाम यहाँ से अनाउंसमेंट हुए, तो क्या उसके बाद चीजें किस तरह से आगे बढ़ी? वाजपेयी यज्ञशाला और तमाम घाटों का, ये 25 दिसंबर को आए थे, लेकिन काम बड़ा शिथिल चल रहा है और तेजी नहीं है। जैसे और क्षेत्रों में विकास है वैसा यहाँ नहीं है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते हुए जिस तरह से कार्य होने चाहिए वो नहीं हुए, नहीं हुए कमी। अब बात कर लीजिए यहाँ के जो 5 साल के सांसद का लेखा जोखा, तो क्या लगा कुछ मिला आपको सांसद जी से, किस तरह का आपको, अब क्या रिस्पॉन्स है सांसद राजकुमार चौहान को लेकर? जी यही चाहेंगे, बीजेपी की लहर है वास्तव में ही, सरकार तो लहर है, लहर है। दूसरे क्षेत्रों में गए बोलते हैं सांसद जी मिलते नहीं है, उनको नहीं आए सांसद जी, ना मिले या ना मिल जाए उससे क्या है, लेकिन जो देश का कार्य हो रहा है प्रधानमंत्री या उनसे मुख्यमंत्री जी से, वो तो आज की डेट में क्लियर है ना। राशन भी आराम से जनता ले रही है, बकने को उनके पास कुछ भी है, शाम को खाना तो वो उन्हीं के उससे खाएंगे ना, राशन से। अच्छा, लेन में लग के तो, लेंगे वो तो। क्या नहीं, आपको लगता है ऐसे कहते हैं कि नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं? नहीं, नमक का कर्ज नहीं, वो बकेंगे उल्टा सीधा, लेकिन अगर लाइन में लगेंगे तो उसी हिसाब से लगेंगे, मोदी ने राशन भेजा, योगी जी ने भेजा, सुबह शाम दोनों टाइम लगेंगे वहाँ पे। यानी समझ में आ रहा है, मोदी योगी के चेहरे पर वोट है, लोकल कैंडिडेट को भी आप देख रहे हैं आप लोग, जिन्होंने 5 साल यहाँ सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व किया, क्या कहना चाहेंगे? चार जी का तो लेखा जो का एक वादे दर्शन कर जाते, जो भी है वो सरकार ऊपर से भेज रही है, जनरल बटेश्वर में है। चार जी के बारे में कुछ कहेंगे? कुछ भी नहीं है साहब, कोई भी कैसा, उनने वो 10 लाख रुपए मांग में गया था माला बनाने में, वहाँ कुछ भी नहीं, उनने कहा था 10 लाख रुपए वहाँ दूंगा मैं, और कुछ भी नहीं मिला था, नहीं मिला था। ठगे महसूस कुछ आप ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो वो तो पार्टी की सेवा है, जैसे आप आ गए तो आप हमसे जुड़े हैं, तो हम तो आपको ऐसे ही घुस जाएंगे ना, आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्षेत्र में क्या चल रहा है? क्या दोबारा कुछ नहीं है,
पार्टी का वोट है। किसकी लड़ाई चल रही है, बीजेपी की लड़ाई किससे? रामनाथ सिकरवाल और फौजी बाबा का भी बड़ा जोर चल रहा है। यहाँ उसको जानते ही नहीं है, यहाँ तो राजा खिलाना, यहाँ तो उनको जानते ही नहीं है। सिकरवाल जी को यहाँ जानते ही नहीं, अभी तक देखा ही नहीं हमने। हम कैसे कह सकते हैं? बीजेपी के कैंडिडेट को कम से कम देखा है, लेकिन सिकरवार को अभी तक हमने देखा ही नहीं। हम जानते हैं, और उनसे यहाँ का जो व्यक्ति है वो हिंदुत्व के लिए और राष्ट्रवाद के लिए वोट करता है, उसी के लिए करता है, उसी के लिए करता रहेगा, और जब तक रहेंगे तब तक अटल जी के नाम से बीजेपी को वोट देंगे। सही है, जैसे समुद्र है, समुद्र में अगर एक मछली खराब हो जाती है उससे ये तो नहीं है कि पूरा समुद्र ही खराब हो गया या पूरा तालाब ही खराब हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चहर को 2019 में सांसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया था, तो उनके ऊपर बहुत आस रख के दिया था। और यहाँ की फतेहपुर सीकरी 19 विधानसभा सांसदीय क्षेत्र का जो भी था उन्होंने भरपूर प्यार दिया। 2019 में 4 लाख मतों से वो जीते, 4,95,000 मतों से जीते थे। वो भारी मत था जीतने के लिए। हम ऐसी आशा करते थे कि जिस मत से हम सभी लोगों ने उनको जो प्यार दिया है वो उसी प्यार से वो आपने तो जिता के भेज दिया उनको दिल्ली। रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला? रिटर्न गिफ्ट में ये मिला है कि यहाँ का जो नौजवान है यहाँ से 20 किलोमीटर पढ़ने जाता है, यहाँ का जो छोटा बच्चा है वो हाई स्कूल और जिसको 10+2 करना है वो यहाँ से 12 किलोमीटर बाहर जाता है, तब वो साइकिल से जाता है। उसकी माँ को ये भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा सुबह 7 बजे जा रहा है पढ़ने के लिए, शाम को 7 बजे लौटेगा कि 8 बजे लौटेगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। समय समझ गया कि प्राइमरी और जूनियर के जो बच्चे हैं उन्हें तो मोदी सरकार द्वारा, योगी जी की सरकार के द्वारा मिड डे मील और वो सब प्राप्त हो जा रहा है। एक चीज बताइए, धार्मिक जो पर्यटन स्थल है बहुत जबरदस्त फोकस सरकार का है, बटेश्वर बहुत बड़ा शिव तीर्थ स्थल है, छोटी काशी कहते हैं, तो अक्सर कभी बड़े बड़े नेताओं के दौरे भी लगते रहते हैं, उस लिहाज से कुछ कितना मिला बटेश्वर? बाबा बटेश्वर नाथ किसी की इच्छाओं के और किसी के वो नहीं है, उनको जब भी जो कुछ भी चाहिए होता है या जो कुछ भी करना होता है वो खुद में एक स्वयंभू है, वो जब चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी सांसद या कोई भी अन्य व्यक्ति उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। सांसद जी को तो खुद ये सोचना चाहिए विकास की बात कर रहे हैं। हम भौतिक विकास की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ। हम सांसद जी से ये पूछना चाहते हैं कि सांसद जी 2019 में जिस तरीके से उन्होंने वोट मांगे थे, क्या वो 2024 में उन्होंने क्यों नहीं मांग रहे हैं? किस चीज का उन्हें वो है? नाराजगी नजर आ रही है? नाराजगी तो इस बात की है ना कि आपने सांसदीय क्षेत्र यहाँ से आप जीत के निकल गए, आपने अपना कोटा कर कभी नहीं आपने देखा। अपना कोटा क्या लग रहा है? क्या दूसरे के कोटे से आधी आबादी महिलाओं की क्या प्रतिनिधित्व क्या देख रही है? इस बात यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसा नाम है तैसा काम नहीं है, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल की कोई आबादी नहीं है, कोई वाहन सुविधा नहीं है। हम लोग बच्चियाँ कहाँ पढ़ने जाती है? आपकी बच्चे पैदल पैदल जा से कहीं कॉलेज है? नहीं, कॉलेज नहीं है। नहीं, निराशा काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत अधिक ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं बटेश्वर एक बड़ा शिव तीर्थ स्थल है, एक धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, अक्सर नेताओं के यहाँ दौरे भी लगते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ जो स्थानीय सांसद है उसको लेकर लोगों में नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन मोदी और योगी के पर अभी भी भरोसा कायम है। तो कुल मिला के अब जनता को तय करना है कि क्या वो मोहर किस पर लगाती है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि जनता एक इस बार स्थानीय प्रत्याशी से कहीं ना कहीं थोड़ी नाखुश जरूर है। आगरा से शेष यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।